गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे एंड अ ब्यूटीफुल डे। जस्ट डन विथ माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। उससे पहले आई हैड माय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने ओवरनाइट ओट्स खाए विथ सम ड्राई फ्रूट्स एंड बनाना। ये काफी यम होता है और काफी इजी भी होता है। आप चिया सीड्स भी डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है तो मैंने वो स्किप कर दिया। तो मेरा आज का वीडियो थोड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है, तो आज का वीडियो कुछ इस तरह से होने वाला और ये रहा कुछ लिस्ट। तो फर्स्टली आई विल स्टार्ट माय क्लीनिंग माय रूम, देन आई विल वर्कआउट, देन आई विल टेक शावर एंड देन आई विल डू सम, मेरा कॉलेज का कुछ काम है तो वो करूंगी। उसके बाद आई विल मेक लंच फॉर माय सेल्फ। लंच में आई एम थिंकिंग रागी का रोटी बनाओ। रागी को हमारे झारखंड के लैंग्वेज में मड़वा रोटी बोलती है, काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। उसके साथ आई एम थिंकिंग मैं छोले की सब्जी बनाओ। इस तरह से कुछ मेरा लिस्ट होने वाला है, तो देखते हैं कैसा जाता है। मैंने अपने रूम के साथ अपना किचन भी साफ कर लिया, बिकॉज वो भी थोड़ा गंदा था। तो आई थॉट कि जब मैं अपना रूम क्लीन कर रही हूँ तो किचन भी कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग वाला चीज तो हो चुका है, नाउ आई डू वर्कआउट। तो वर्कआउट के लिए मैं अपना आउटफिट चेंज करूंगी, बिकॉज थोड़ा फील भी तो आना चाहिए ना कि वर्कआउट कर रही हूँ। तो चलो मिलती हूँ मैं अपना आउटफिट चेंज करने के बाद। मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है और ये रहा मेरा वर्कआउट आउटफिट। अब जो ये पैंट देख रही हो, मेरी दी ने मुझे गिफ्ट किया था, उनका नाम शेफाली है। तो शेफाली दी, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल पैंट। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अमेजिंग है और मुझे वर्कआउट करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने टॉप में आज ये फुल स्लीव्स पहना हुआ है, बिकॉज मैं कभी कभी हाफ पहनती हूँ। तो जल्दी से वर्कआउट करते हैं, बिकॉज बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आफ्टर वर्कआउट के बाद वाली ग्लो, पसीना वाली ग्लो। आज तो मैंने थोड़ा कम ही वर्कआउट किया है इसलिए उतना स्वेटिंग नहीं हुआ, वरना मैं बाकी दिनों में बहुत ज्यादा करती हूँ तो बहुत ज्यादा पसीना हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए बैठूंगी, उसके बाद आई टेक शावर, बिकॉज मैंने अभी जस्ट वर्कआउट किया है। तुरंत वर्कआउट करने के बाद नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज वर्कआउट करते हुए हमारा पूरा बॉडी गर्म हो जाता है। उसके बाद आप नहाओगे तो वो ठंडा गर्म होते हुए आपका तबीयत खराब हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए बैठती हूँ, उसके बाद आई टेक शावर। आज मैं सैनिटरी नैपकिन लेने मेडिकल स्टोर गई थी। वहाँ पर मुझे एक लेडी ने ये पैड यूज़ करने को सजेस्ट किया। शी टॉल्ड मी दैट ये काफ़ी अच्छा पैड है एंड वो खुद भी ये कुछ मंथ से यूज़ कर रही है और ये मेड इन इंडिया है। मैंने ये पैड के बारे सुना था बट कभी यूज़ नहीं की थी। इसके अंदर डिस्पोजल बैग भी है, विच इज़ गुड। सो ये तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे लाइक ये 3 पैड मिला है। सो लेट्स सी कैसा होता है। अगर आप ये यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट डाउन करो कि कैसा है ये पैड, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो आई एम थिंकिंग चलो ले ही ली हूँ तो यूज़ करके देखती हूँ कैसा है। अगर अच्छा निकला तो मैं इस पर एक रिव्यू डालूँगी। हाय बेस्टी, सो आई एम डन विथ माई शावर। तो अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि मैं आप लोगों को आज बताई हूँ कि लंच के लिए मैं आज रागी को रोटी और छोले की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो जल्दी से चलते बिकॉज मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। ये रहा छोले और मैं रात को इसको भिंगो के रखी थी। अभी मैं इसको वॉश करूँगी, उसके बाद इसको थोड़ा पानी में बॉइल करना है, उसके बाद आई विल मेक इट। यहाँ पर मैं अभी रागी लूंगी, झारखंड में इसे हम मड़वा बोलते हैं। तो लेती हूँ थोड़ा सा, फिर इसको हल्के से मतलब ठंडा पानी में बनाना, ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ नहीं करना है इसको, वरना ये थोड़ा अच्छा नहीं बनता है।
तो आप इसको ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं करना इसको। इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से मिक्स करो। तो ये रागी का बैटर भी रेडी है, अब मैं इसको बनाने वाली हूँ। सेम जैसे कि आप चिल्ला रोटी बनाते हो ना, सेम वैसे ही इसको करना। शाम के 3 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू हॉस्का स्पॉट विद माई फ्रेंड और उसकी कजन के साथ। ये लोग मेरी फ्रेंड के साथ साथ मेरी पड़ोसी भी है जहाँ मेरा घर है। तो पहले वी आर थिंकिंग टू गो टू हॉस्का स्पॉट एंड उसके बाद वील गो टू सफदरजंग बिकॉज हमें नॉर्थ ईस्टर्न खाना खाना है और सफदरजंग में नॉर्थ ईस्टर्न खाना इज द बेस्ट टू हैव। सो वही जाने का हम प्लान कर रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं ताकि हम लेट ना हो एंड सी यू व्हेन आई रीच देयर।